10 साल पुरानी वीडियो गेम्स जैसे VFX, वही घिसा पिटा हीरो बंदी वाला एक्शन, येट अनदर फालतू मूवी में फंसी हुई कृति सैनन और हद से ज्यादा अजीब डांस करते हुए टाइगर श्रॉफ। ओके, तो मैंने स्टार्ट में ही बोल देता हूँ कि इससे ज्यादा वाहियात मूवी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे यार। इसके आगे तो आदि पुरुष भी ना ऑस्कर विनिंग लगती है। मतलब क्या ही एक्टिंग, क्या ही VFX और क्या ही स्टोरी है इस मूवी की। लाइक इट इज सो बैड कि थिएटर्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे भी पूरे खाली थे और जो गिने चुने लोग देखने गए भी थे उनका रिव्यू सेम ही था। मूवी बना दिया, पहले डायरेक्शन तो सीखो। फ्लॉप मूवी है, एकदम बकवास है। ये पिक्चर के बाद मुझे हीरोपंती शोले लग रही है। कुछ भी नहीं, मेरे को तो मेरे पास से वापस चाहिए बस। स्टोरीलेस नहीं यार, स्टोरीलेस कहां से है मूवी। मतलब स्टोरी तो सबसे तगड़ी है मूवी की। एक लड़का फाइट करके गरीबों की दुनिया से अमीरों की दुनिया में जाता है, जहां उसे वापस पटक के गरीबों की दुनिया में भेज दिया जाता है। लेकिन वो फिर से फाइट करता है और वापस अमीरों की दुनिया में जाता है और वहां जाके गरीबों को इंसाफ दिलाता है। And that's it. मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी लग रही है इसे छोटे में सुनने में, लेकिन इसको 2 घंटा 16 मिनट खींचा गया और अभी ये part 2 भी बना रहे हैं। Like bro, I have so many questions. Like ये क्या वॉक है? और ये उसके बाल क्यों सूंघ रहा है? और ये दोनों घर में गाड़ी क्यों चला रहे हैं? और ये सीन जब मूवी में है ही नहीं तो ट्रेलर में क्यों डाला है? एंड कोई सुपर 30 और क्वीन जैसी मूवी बनाने के बाद ये मूवी कैसे बना सकता है? पर चलो, ये तो छोटी छोटी चीजें, हम मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अमिताभ बच्चन जी ने इस मूवी के लिए हाँ कैसे कर दिया? Like seriously, वो अमित जी Loves Bikaji वाली एड ज्यादा एंटरटेनिंग है इस मूवी से। ऑल्सो इन्होंने अमिताभ जी को ऐसे डाला था पोस्टर और ट्रेलर पे कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, लेकिन लिटरली 5-7 मिनट से ज्यादा रोल नहीं है उनका मूवी में। सेकंडली, इन लोगों ने मूवी में 2070 दिखाया, जहां सब कुछ फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक है, तो इनकी सजाएं पुरानी क्यों है? मतलब गुड्डू को अपने बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करने की सजा देने के लिए ये लोग उसको जिंदा दफना देते हैं। अबे इट्स द फ्यूचर, लेजर से उड़ाओ ना साले को, या फिर रॉकेट में बांध के चांद पे भेज दो। बाय द वे, गुड्डू भाई साहब भी कम नहीं है, क्योंकि जिंदा दफन होने के बाद वो ऐसे जमीन फाड़ के ऐसे कर करके निकलते हैं। सो IQ लेवल तो समझ जाओ आप इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर्स का। साइड नोट, गुड्डू का बॉस जॉन द इंग्लिशमैन है, जो कि गूंगा है पर बात करता है और इंग्लिशमैन होने के बावजूद हिंदी में बोलता है। मतलब कुछ भी। ऑल्सो उसकी गर्लफ्रेंड है एली एब्राहम, जो 2070 की लड़की नहीं, बिगड़ी हुई शिजुका ज्यादा लग रही है। थर्ड, इन्होंने बोला कि गरीबों की दुनिया इतनी गरीब है कि वहां खाना तक नहीं है, तो गरीबों के बाइसेप्स और एब्स कैसे हैं? ट्रस्ट मी, मैं जेलेसी के कारण नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उनके पास खाने के पैसे नहीं है तो प्रोटीन के डब्बे के पैसे कहां से आए बे? फोर्थ, क्या कोई मुझे कॉमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकता है कि कृति ने भी इस मूवी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? लाइक जितना मुझे याद है, वो कॉफी विद करण पे आई थी और उसने बोला था कि उनकी मम्मी उनको काफी रोल्स नहीं करने देती, शी इज वेरी सिलेक्टिव, एंड देन शी गोज ऑन एंड डज आदि पुरुष, बच्चन पांडे, भेड़िया एंड गणपत इन 1 ईयर। आंटी जी प्लीज अपनी बेटी को संभाल लो, हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज। लाइक कृति के लिए तो मुझे एक ही चीज बोलनी है कि लाइक वाओ कृति, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो फिर ये क्या रोल्स कर रही हो बहन? इससे अच्छा तो जाके वो मोटरोला की एड से पहले आप जो हेलो मोटो करते हो वो कर लो, लेकिन ये सब मत करो प्लीज। ऑल्सो ये टाइगर श्रॉफ AKA गुड्डू पूरी मूवी में इतना कुल, वेरी कुल, वेरी कुल, वेरी कुल क्यों बनता है? लुक एट मी, मैं सट्टा मार के स्लोमो में चल रहा हूँ, सो कूल। पर एक्टिंग भैया जी ने भाई 2 साल के बच्चों जैसी की है। नो ऑफेंस टू 2 साल के बच्चे, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं 2 साल के बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो इन भैया से तो अच्छी डायलॉग डिलीवरी करते होंगे। टाइगर श्रॉफ इन गणपत भी लाइक जॉन द इंग्लिशमैन, अपन के बाप के माफिक है इसलिए बोलने का जॉनी जॉनी यस पापा। अरे तू क्या, अपन को सिल्वर सिटी से खंडरलैंड ले आया, हालत कैसी भी हो थोबड़ा मस्त दिखना चाहिए। अपन को जब डर लगता है अपन बहुत मारता है, हसीनों का मेला, कल रात अपन ने बहुत खेला। ये बोलते हुए मुझे शर्म आ गई है, बट इन्हें मूवी में दिखाते हुए शर्म नहीं आई। एक्चुअली कांट बिलीव कि पूरी मूवी के क्रू एंड कास्ट में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसमें गट्स होए मूवी देख के बोलने का कि ये तो टट्टी है। पता है टाइगर से इतनी गंदी एक्टिंग करने के बाद ना मुझे बस एक ही चीज पूछनी है, छोटी बच्ची हो क्या? Which also reminds me कि मूवी में टाइगर ने काजल लगाया है, मतलब नेगेटिव टाइगर ने काजल लगाया है और पॉजिटिव टाइगर ने काजल नहीं लगाया है। Yes, इस मूवी में टाइगर यानी गुड्डू भैया ने पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल दोनों किए, एंड मूवी के एंड में उनका डबल रोल भी है, जिसकी बात वो लोग part 2 में करने वाले हैं शायद, अगर कोई देखने गया तो। I swear, I was so proud ना इससे पहले कि मैंने आज तक कोई टाइगर श्रॉफ की मूवी नहीं देखी थी, एंड आई एम डैम श्योर कि इस मूवी के बाद आज के बाद कोई देखने भी नहीं वाला। सच्ची बताऊँ, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट सच में गाइज, ये मूवी देखने के बाद मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है अनन्या पांडे के लिए, क्योंकि उसकी भी एक्टिंग बेटर होती है टाइगर से। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की सेटिंग की। नहीं नहीं, टाइगर और कृति की सेटिंग की नहीं, इस मूवी की पोस्ट एपोकलिप्टिक डिस्टोपियन सेटिंग की, जो लगनी तो साइबरपंक 2077 जैसी चाहिए थी, बट एक्चुअल में किसी PlayStation 3 की गेम्स के ग्राफिक। इतने वर्ड्स हो गए गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया।
हाँ तो ये लगनी तो साइबरपंक 2077 जैसी चाहिए थी, लेकिन इट वाज लुकिंग लाइक अ प्लेस्टेशन 3 गेम जिसके ग्राफिक्स बहुत ही टट्टी हो। मतलब 200 करोड़ खर्च करके भी इन्होंने ये बनाया है। फॉर कंपैरिजन इस वीडियो गेम का बजट लगभग 200 करोड़ है एंड इसके ग्राफिक्स तो आप देख ही सकते हो। पता है मैंने मूवी ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी 20th अक्टूबर को, जिस दिन स्पाइडरमैन 2 भी रिलीज हुई थी, और अब मेरे को इतना रिग्रेट होता है ना कि मैंने ये क्यों नहीं खेली घर बैठ के और मैं इस सड़ी सी मूवी देखने चला गया। वैसे दिस रिमाइंड्स मी गाइस कि फाइनली मैंने अपना गेमिंग चैनल शिवम प्लेज लॉन्च कर दिया है, जिसका फर्स्ट वीडियो वेयर आई प्ले स्पाइडरमैन 2 इज ऑलरेडी अप। सो प्लीज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके जितना सपोर्ट आपने इस चैनल को दिखाया उतना सपोर्ट प्लीज वहां पे भी दिखाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी यू विल एंजॉय इट, क्योंकि मुझे खेलने में इतना मजा आया कि आई एम डैम श्योर यू विल बी एंटरटेन्ड, लाइक जेन्युइनली इट इज अ लॉट ऑफ फन। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज सब्सक्राइब टू शिवम प्लेज एंड आई विल सी यू। ये वीडियो खत्म थोड़ा हुआ, शिट सॉरी सॉरी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के गानों की जो बहुत ही घिसे पिटे हैं। लाइक एक गाने का नाम है दिल लगा के लफड़ा कर ले, लाइक व्हाट, आई थिंक इससे अच्छे लिरिक्स तो मैं ही लिख सकता हूँ, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बैड लिप रीडिंग, गणपत एडिशन। भूख लग रही है, सारी गोभी खा ली। हाँ। और खाएगी गोभी। हाँ। गोभी खा के पाद आते हैं, भाग ले फटाफट, हट गोभी दोना, ये ले तू मिट्टी खा। तुम्हारे को भिंडी मिलता है, हट साले जब देखो खाने की बातें। अच्छा अच्छा, पराठे खा के आई है अपने बाप के और मम्मी के, हट ओए। तो पटेटो बनाना, जो भी खा पाए। अरे तू बंदर है। हाँ। तेरे बिन जियो नहीं लगना, मैं तो मर गया, मेरा छुछुंदर गया, मी ही ही। ऐसी की तैसी। हाँ। भैया रोल खाएगा, नो चूहा, पागल हो सारे आप, बंदर। अरे चल यार, अपनी पप्पी अपने पास ही रखे आप। खैर गाइस, डू यू नो कि इस मूवी के गानों से वर्स क्या है, उन पे किया गया डांस। हो हा हु, 1 2 3 4 वो ये हु हु हा हु हु आ आ आ ठक ठक ये ओह ओह आह आह ये ये ओए 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 तू गिर, नहीं तू गिर, तू गिर। रगड़ो रगड़ो साफ कर, रगड़ो रगड़ो साफ कर। क्लैप 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 ओह ये आह ये ओह ओह आह आह ओह 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 आह आह। अरे जूते गंदे हो गए, तगड़क 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 कैसा लगा वो। हाँ अच्छा अच्छा, चलो चली चलो चली मितवा। ये 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 ये। और ये भाई साहब गरीबों की दुनिया के योद्धा हैं। खैर बिफोर आई एंड दिस वीडियो, बिल्कुल इस मूवी के रैंडम प्लॉट की तरह, हेयर आर सम रैंडम थिंग्स दैट आई नोटिस्ड। गुड्डू इस मूवी में पीटने से ज्यादा पिटा है, क्लब में, रेस्टोरेंट में, पहाड़ों में, गरीबों की रिंग में, अमीरों की रिंग में, हर जगह भाई साहब बस पिट ही रहे हैं 80% ऑफ द मूवी में। लेकिन फिर भी ऑडेसिटी देखो इन लोगों की कि एक फाइट के बाद गुड्डू के पीछे ब्रूस ली का पोस्टर लगा के उनसे कंपेयर कर रहे हैं ये। ऑल्सो यार एक्शन ना एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, जब हर 2 मिनट के बाद ये हो रहा हो ना तो फिर मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, मैं तो थक गई भाई साहब। ऑल्सो एक जगह टाइगर खुद कहता है कि ये कौन सी मैड मैक्स वाली दुनिया में रह रहे हो तुम लोग। मतलब ये सही है कि इससे पहले ऑडियंस बोले कि तुमने मैड मैक्स से कॉपी करा, तुमने मूवी में ही बोल दिया कि हमने कॉपी करा। और VFX की बात करूं तो होलोग्राम से लेकर टाइगर के ये मोमो खाने तक सब नकली लग रहा है, और कहीं कहीं तो ग्रीन स्क्रीन में कैरेक्टर्स की एजेस दिख रही है। यार सीरियसली बता रहा हूं कि आजकल इससे अच्छा बैकग्राउंड रिमूवल तो पिक्सार्ट और कैनवा में फ्री में हो जाता है। ऑल्सो ये तो मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि जो ग्लिचेस और VFX इन्होंने यूज करे हैं काफी सारे बहुत लो क्वालिटी है, मतलब वो भी आजकल यूट्यूब पे अच्छे खासे फ्री में मिल जाते हैं यार। खैर वो छोड़ो, डू यू नो कि पूरी मूवी में अपनी एक्टिंग की तरह टाइगर ने ट्रेनिंग में भी पूरी अनसीरियसनेस दिखाई है। क्रीति मैंने अच्छी ट्रेनिंग की ना? नहीं बिल्कुल नहीं, जो आदि पुरुष करके आई है वो मुझे नहीं बोले तो अच्छा। वो सब तो ठीक है लेकिन कांटों पे चलना कहाँ की मिलिट्री ट्रेनिंग होता है ब्रो? व्हाट आर यू इवन ट्रेनिंग फॉर बसंती? गुड्डू इन जॉन के कुत्तों के आगे मत नाचना। खैर फिर कृति के किडनैप होने के बाद फाइनली टाइगर सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि कृति उसका काट रही थी, फिर पता चलता है कि टाइगर उसका काट रहा था, और लास्ट में पता चलता है कि दोनों मिले हुए हैं और वो सबका काट रहे हैं, मूवी के अंदर भी और मूवी के बाहर भी। यू नो थिएटर में मेरी बहन आधी मूवी में सो रही थी और मेरी मम्मी फोन चला रही थी, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी वही करना चाहिए था क्योंकि मैंने फुल सीरियसनेस से मूवी देखी और मेरा आज तक सर दर्द हो रहा है 6 दिन बाद भी। इसीलिए अब आई एम गोना गो प्ले स्पाइडरमैन 2 जिसका वीडियो आपको ऑलरेडी शिवम प्लेस पे मिल जाएगा। सो सी यू देयर। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू नजर आए मेरे
सो गाइज दैट वाज इट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या लगता है मुझे किस पे बनाना चाहिए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कॉफी विद करण एंड बिग बॉस में, तो लेट मी नो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, मे बी ऑन शिवम प्लेज इससे पहले, सो सी यू देयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। छोटी बच्ची हो क्या।